आईपीएल ऑक्शन 2023 आ गया है। आने वाली 23 दिसंबर को सभी टीम्स अपने कैंप को पूरा करने की जद्दोजहद में लग जाएंगे। अब तक हम कई आईपीएल टीम्स के बारे में आपको बता चुके हैं। इस स्टोरी में हम बात करेंगे आईपीएल 2022 की रनर अप टीम राजस्थान रॉयल्स के बारे में। आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक जगह बनाई। टीम के पास एक ऐसा कप्तान था जिसने सिर्फ दो ही सीजन टीम की कमान संभाली और टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। कप्तान का नाम संजू सैमसन। संजू पर एक बार फिर राजस्थान की जिम्मेदारी है। टीम चाहेगी कि ऑक्शन में संजू मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक ऐसी टीम तैयार करें जो इस बार चुके हुए उस कदम को पूरा कर सके। 23 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन में राजस्थान की टीम नो स्लॉट के लिए खिलाड़ियों को चुनेगी, जिसमें 4 विदेशी खिलाड़ी भी हो सकते हैं और इसके लिए उनके पर्स में 13.2 करोड़ रुपए हैं। साथ में बता दें, अभी राजस्थान के दल में कुल 16 खिलाड़ी हैं। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्लॉट ज़्यादा है। ऐसे में राजस्थान को अपना पैसा सोच समझ कर खर्च करना होगा। राजस्थान किन खिलाड़ियों पर दाव लगाने वाली है, उनकी बात करने से पहले आपको राजस्थान की बैकग्राउंड स्टोरी बता देते हैं। राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस। आईपीएल में राजस्थान का डेब्यू साल 2008 डेब्यू ईयर में ही हुआ और राजस्थान वो पहली टीम बन गई जिसने आईपीएल की ट्रॉफी को जीत लिया। उसके बाद टीम कभी भी खिताब तो नहीं जीत पाई, लेकिन साल 2022 में दूसरी बार राजस्थान की टीम फाइनल तक जरूर पहुंची। बीते सीजन राजस्थान के स्टार परफॉर्मर्स की बात करें तो जॉस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पड्डीकल और शिमरॉन हेटमायर टीम के स्टार बल्लेबाज रहे। इन चारों ने टीम की आधी परेशानी को दूर करके रखा। वहीं गेंदबाजी में टीम के लिए युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट छाए रहे। चहल तो सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे। अब बात कर लेते हैं टीम की ताकत की। राजस्थान रॉयल्स इस मिनी ऑक्शन में जा जरूर रहा है, लेकिन टीम ने मेगा ऑक्शन में ही अपनी आधी से ज़्यादा परेशानी दूर कर ली थी। टीम के पास सॉलिड ओपनर जॉस बटलर हैं, मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन और देवदत्त पड्डीकल हैं, वहीं फिनिशर के तौर पर शिमरन हटमायर जैसा अटैकिंग बल्लेबाज है। गेंदबाजी की बात करें तो टीम के पास युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है, जो इस सीजन भी इस टीम के साथ मौजूद है। अब नज़र डालते हैं कमजोरी पर। हालांकि मजबूती के साथ साथ टीम की कमजोरियां भी होती हैं। इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी पिछले साल के फाइनल में ही नजर आई थी, जब टीम के स्टार्स नहीं चले तो बाकी खिलाड़ियों ने भी खास योगदान नहीं दिया। इतना ही नहीं, टीम के पास एक फिनिशर की कमी तो रही ही है। टीम का भरोसा अब भी रियान पराग पर है, लेकिन पराग अब तक अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसे में अगर एक फिनिशर और आ जाए तो टीम का काम बेहतर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं किस खिलाड़ी को नहीं जाने दिया जाना चाहिए था। जिमी नीशम, ये वो नाम है जिसे रिलीज करते हुए कई लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया। जिमी नीशम न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर हैं और लगातार परफॉर्म करते हैं। निशम की खासियत है कि वो तेज़ गेंदबाजी कर सकते हैं और फिनिशर के रोल में बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिसकी राजस्थान को दरकार है। हालांकि राजस्थान ने इस खिलाड़ी को 4 विदेशी खिलाड़ियों वाले रणनीति को ध्यान में रखते हुए बाहर किया है, लेकिन फिर भी निशम इस टीम का एक प्लस पॉइंट थे। अब किसे खरीदना राजस्थान के लिए फायदे का सौदा होगा। राजस्थान रॉयल्स के दल को देखेंगे तो साफ तौर पर इस टीम में एक फिनिशर और भारतीय तेज गेंदबाज की जगह नजर आएगी। फिनिशर के रोल में रियान पराग के अलावा दूसरा बैट्समैन नहीं दिखता। ऐसे में कभी कभी टीम अश्विन के भरोसे भी आ जाती है। ऐसे में अगर टीम को एक मोटी रकम खर्च करके कोई बढ़िया फिनिशर मिल जाता है तो टीम परफेक्ट बन सकती है। साथ ही तेज गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, ओबिड मकॉय जैसे विदेशी नाम हैं, वहीं प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी और कुलदीप सैन जैसे भारतीय नाम भी हैं। अगर टीम को एक अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मिलता है तो फिर ये टीम परफेक्ट टीम बन जाए। हमारे हिसाब से ये टीम कैसी है? टैलेंट ऑफ स्पोर्ट्स के हिसाब से ये टीम बहुत मजबूत है। पिछले सीजन राजस्थान की टीम फाइनल तक पहुंची थी। इस बार 1 से 2 एरिया पर काम करके ये टीम खिताब की बड़ी दावेदार बन सकती है। बाकी सभी टीम के प्रीव्यूज़ भी आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स पर मिलेंगे, क्योंकि हमारे बाकी साथी भी लगातार टीम्स के प्रीव्यू कर रहे हैं। आईपीएल ऑक्शन का पूरा कवरेज 23 दिसंबर को आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स पर मिलेगा। हमारे चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारे वीडियोस, किस्से, कहानी और इंटरव्यूज़ भी मिलते हैं। कैमरे के पीछे हैं पंकज, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।